दुर्गा बन जाती है, वो माँ जब सर पर सवार होती है तो चंडिका बन जाती है, मगर वही माँ जब कंठ में आती है, जिह्वा पर विराजती है, तो माँ पार्वती का रूप धारण कर लेती है। मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं और चौथी पंक्ति के बाद एक एक हाथ ऊपर तक का तालियां बजाकर आवाज देगा हम सपंज को। बैठ जाइए सर प्लीज, बस माँ की वंदना हो जाएगी, उसके बाद आप जैसा चाहें वैसा करना। बैठ जाइए, जबरदस्ती बा। माँ की वंदना करवाना चाहता हूँ चार पंक्ति में, बस खामोशी दे देना, क्योंकि वंदना माँ की है, उस माँ की जिसके हम इस मंच पे आज यहां शब्द की साहित्य की अधिष्ठात्री देवी। सारे जमाने में उसकी कोई औकात नहीं रहती। चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं और बांध के भी ले जाना अपने साथ, शायद काम आए। जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती, आदमी होकर भी उसकी आदमी जात नहीं रहती, और बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स दुनिया में मां जिंदा होकर भी जिनके साथ नहीं रहती। तालियां पूरे सदन की नीचे बजे, कार्यक्रम का आगाज करते हैं मां की वंदना के लिए डॉक्टर अनिल फर्नांडिस। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम, उपस्थित इस सभागार में सभी काव्य अनुरागी श्रोताओं को अपना सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। माँ की वंदना के लिए कहा है कुछ प्रार्थना की कामना की पंक्तियां निवेदित करती हूँ, इसके बाद अपने क्रम में अपनी बात रखूंगी, सुनेगा। हाथ जोड़े आपको नबाऊं शीश दिन रैन, स्वर ज्ञान दीजिए नमामि मात शारदे। बहुत अच्छी है। हाथ जोड़े आपको नबाऊं शीश दिन रैन, स्वर ज्ञान दीजिए नमामि मात शारदे। शांति सुख भाईचारा है रे हर गांव गांव, नेह दान दीजिए नमामि मात शारदे। बहुत अच्छे। द्वेष मेरी ईर्ष्या की जड़ मूल काट दो, शक्ति दान दीजिए नमामि मात शारदे। शोषितों और पीड़ितों के लिए उठे लेखनी, ज्ञान दान दीजिए नमामि मात शारदे। बहुत अच्छे। पाप क्या है, पुण्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, जान सकू तर्क का विधान दे मशाल दे। पाप क्या है, पुण्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, जान सकू तर्क का विधान दे मशाल दे। उतावली हो सांस सांस जिसकी एक गंध को, अब तो पसीने को वो मान दे मशाल दे। मोल भाव भावना का जिसमें न लग सके, मोल भाव भावना का जिसमें न लग सके, अब तो एक ऐसा हिंदुस्तान दे मशार दे। लेखनी के तीर लगे, लेखनी के तीर लगे, जालिमों के बख्श पर आंसुओं को दर्द की कमान दे। हाय हाय। माँ की वंदना हो गई, कुछ हाथ अभी भी खामोश है। मेरी माँ की गोद में जितनी यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, मातृशक्ति को विशेष प्रणाम करके एक एक महिला को ये चार पंक्ति प्रसिद्ध कर रहा हूं, और उनकी वंदना के लिए शायद दोबारा आपकी तालियां पहुंचे। क्या क्या मंजर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में, धरती अंबर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में, और मैं 65 बरस का होकर भी बूढ़ा नहीं हुआ, मेरा सर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में। एक कमाल सुन रहे हैं आप, कवि सम्मेलन शुरू होना चाहता है, पहले कवि को आवाज देने से पहले मैं हमारे सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी ने कवि वरों के सम्मान हेतु यहाँ शाल भिजवाई है, मैं उनके जो भी प्रतिनिधि महोदय हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि तुरंत एक एक शाल जिस जिसके हिस्से की है उसको चढ़ा दें।
दादी बहुत डर डर के बजा रहे हो सम्मान है आपके शहर में आपके सांसद जी ने करवाया है तो मिलके इनका सबका सम्मान होगा तो अच्छा लगेगा। मेरे को झोले सहित कुछ लोग और आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये क्रम चलता रहेगा। पहले कवि को आवाज देना चाहता हूं साहब। पहला कवि मस्ती का कवि है, पहला कवि मंच की जवाबदारी होती है। आज की रात एक इमारत जो साहित्य की बुलंद होने वाली है, इसके नींव में जिस पत्थर को जाना है, वो काम होता है पहले कवि का। यानी आज की रात सबसे बड़ी जवाबदारी का काम अगर किसी कवि का है तो वो निश्चित रूप से पहले कवि का है। और जब मंच पर एक ऐसा छंद शास्त्र का विद्यार्थी, क्या मैं तो आचार्य कहता हूं उस आदमी को, छंद शास्त्र का, बनारस के घाट से एक चौबे जी नाम के शख्स चलते हैं और पूरे देश में आज कविता के माध्यम से पिछले 20 से 25 बरस उनको मंचों पे हो गए हैं। और अपने बहुत सालों से तो उन्होंने कवि सम्मेलनों के समापन करना शुरू किए हैं। आज पहली बार, बहुत बरस बाद में देखूंगा कि आज वो उनका मन है कि मैं इस कार्यक्रम का आगाज करूं, जहां पर सुनील जोगी जी और विनीत चौहान जी की उपस्थिति है। मैं पूरे सदन से एक बार अनुरोध करता हूं कि पहले कवि के लिए जितनी तालियां बज सके, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि अकल मंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती। जोगी जी यहां बैठे हुए हैं, उन्हीं की पंक्तियां हैं ये। अकल मंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं उतने कि जितने आम दिखते हैं। और भले ही चेक पर दस्तखत करना नहीं आता, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पर नाम लिखते हैं। मैं आपके दिलों पर अपने नाम अंकित करवाने के लिए आवाज देता हूं। इधर के लोगों, एक बार ताली आप भी बजाइए। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं पहला कवि हूं। पहला कवि वैसे ही होता है जैसे हलवाई जलेबी बनाता है तो